हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिवर्सल फैक्ट्स यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस डे से रिलेटेड 10 मजेदार फैक्ट्स की तरफ। फैक्ट नंबर 10 दोस्तों, इंडिया को 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश रूल से आज़ादी मिली थी। ऑलमोस्ट 200 साल राज करने के बाद अंग्रेज भारत को छोड़कर चले गए थे। फैक्ट नंबर 9 दोस्तों, 15 अगस्त 2022 को इंडिया अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पूरे कर लेगा। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, इंडिया का 75वां इंडिपेंडेंस डे बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि ये नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट की थीम के साथ इसका ग्रैंड सेलिब्रेशन किया जाएगा और इसे आज़ादी का महोत्सव नाम से पुकारा जाएगा। दोस्तों, आज़ादी के 75 वर्ष पूरे करना एक बहुत बड़ी बात है, इसलिए ये बहुत स्पेशल होगा। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, इंडिया का जो फ्लैग है उसके डिज़ाइन को सबसे पहले 1921 में बनाया गया था। दोस्तों, इसे पिंगली वेंकैया के द्वारा बनाया गया था। और इंडिया के फ्लैग में 3 रंग होते हैं, केसरी, हरा और सफेद। केसरी हिंदू और हरा मुस्लिम धर्म को दिखाता है। सफेद रंग शांति का प्रतीक है। दोस्तों, इसके बीच में एक नीले कलर का चक्कर भी होता है, जिसे अशोक चक्कर कहा जाता है। इसमें 24 तिलियां होती है, जो दिन के 24 घंटों को दिखाती है, और ये दर्शाता है कि दोनों धर्मों में 24 घंटे खुशहाली और शांति रहे। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, इंडिपेंडेंस डे को बहुत जगह स्पीच दी जाती है और उसमें कुछ मुख्य बातें शामिल होती है, जैसे हमें कितनी मुश्किलों से अंग्रेजों से आज़ादी मिली और कैसे स्वतंत्रता सेनानियों ने देश के लिए जान भी दी। दोस्तों, इससे होता क्या है कि जो हमारे बच्चे हैं वो अपनी हिस्ट्री से अवेयर होते हैं और उन्हें ये एहसास होता है। हमें उन लोगों का शुक्रगुजार करना चाहिए जिन्होंने देश के लिए अपनी जान भी दे दी थी। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, हमारी भारत की आज़ादी में लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान दे दी थी, उन्हें हम नमन करते हैं। दोस्तों, उन्हीं स्वतंत्रता सेनानियों में कुछ मुख्य स्वतंत्रता सेनानी थे जिनके बारे में जानना हर एक भारतीय के लिए जरूरी है, जैसे महात्मा गांधी, भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे और सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों, इनकी कुर्बानियों के कारण ही भारत देश को आज़ादी मिली है, जिसकी वजह से हम स्वतंत्रता में जी रहे हैं। हमें इन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, ये तो हम जानते हैं कि भारत को अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी, लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजों से आज़ादी पाने वाला पहला देश कौन था? दोस्तों, अंग्रेजों से आज़ादी पाने वाला पहला देश अफगानिस्तान था, जिसे 1919 में पहली बार अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी मिली थी। दोस्तों, एक बात बता दूं, अफगानिस्तान भी अंग्रेजों की गुलामी से पहले भारत का ही हिस्सा था, बाद में ये भारत से अलग हो गया। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, भारत का जो राष्ट्र गीत है वंदे मातरम, वो बंगाल के एक नॉवेल से लिया गया है। दोस्तों, राष्ट्र गीत को बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों, पहले स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को नहीं बल्कि 26 जनवरी को मनाया जाता था, लेकिन बाद में 15 अगस्त 1947 को एक बार पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा हो जाने के बाद 15 अगस्त की तारीख को सर्वसहमति से स्वतंत्रता दिवस के रूप में तय किया गया था। फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, जब 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ तब उसका कोई राष्ट्रगान नहीं था। हालांकि रविंद्रनाथ टैगोर ने यह गाना जनगण मन 1911 में ही लिख दिया था, लेकिन 1950 में ही ये हमारे देश का राष्ट्रगान बन पाया। इसके अलावा दोस्तों, 15 अगस्त 1947 तक भारत पाकिस्तान के बीच में कोई सीमा रेखा नहीं थी। ये रेखा 17 अगस्त 1947 को रेड फ्लिप लाइन के रूप में खींची गई थी। उसके बाद से भारत और पाकिस्तान अलग हो गए और दो मुल्क बन गए। तो दोस्तों, ये था इंडिपेंडेंस डे से रिलेटेड 10 सबसे मज़ेदार फैक्ट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसे और वीडियोस के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।